वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें अधिकतम संत साधक ब्रह्मचारी हैं। जो बाहर से आए हैं सज्जन देवियाँ, वे भी साधना पथ में ही हैं। संतों की संगति, सत्संग के प्रति रुचि, यही तो साधना पथ की शुरुआत है। जो कभी संतों की संगति नहीं करता, सत्संग में नहीं आता, वह साधना पथ में आगे बढ़ेगा ही कैसे, रुचि ही नहीं होगी। तो बराबर जो सत्संग में आते हैं, संतों के पास बैठते हैं, ज्ञान की चर्चा सुनते हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। और ये हृदय की शुद्धता निर्मलता का परिचायक है। धीरे धीरे ही तो प्रगति होती है। तो यहाँ हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, चाहे वे उन्हें हम साधु कहें या चाहे गृहस्थ कहें, सबके सब साधक हैं। सद्गुरु कबीर की एक साखी है जिसमें उन्होंने बताया है कि साधक को किस पथ में चलना चाहिए, उसका आचरण कैसे होना चाहिए, उसकी क्या गति होनी चाहिए। बहुत सरल साखी है लेकिन हम लोगों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। निर्वैरी निहकामता साईं सेति ने, विषयों से न्यारा रहे साधुन की मतिये। निर्वैर हो, निष्काम हो, साईं स्वामी गुरु आत्मा के प्रति अनुराग हो और विषयों से अनासक्त हो, पृथक हो, यही साधकों की पहचान है। कहना चाहिए साधकों को इसी रास्ते पर चलना चाहिए। किसी के प्रति बैर भाव रखकर साधना नहीं हो सकती। बहुत पहले कल्याण जो गोरखपुर से निकलता है मासिक पत्र, उसमें एक सच्ची घटना छपी हुई थी। एक लाला जी थे, बहुत धनी आदमी, व्यापार के सिलसिले में किसी एक उसी शहर के रहने वाले एक दूसरे व्यापारी से कुछ उनका खटपट हो गया और काफी दिनों तक वो चला। धीरे धीरे लाला जी के मन में विरक्ति हुई और उन्होंने बाल बच्चों को पूरी जिम्मेदारी सौंप कर वैराग्य ले लिया। चले गए एक तीर्थ स्थल में और वहाँ एक आश्रम में रहकर साधना करने लगे। कई वर्ष बीत गए साधना करते करते, लेकिन मन में शांति नहीं आती थी। भिक्षा मांगकर जीवन गुजर करते थे। आज भी हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह में बहुत से विरक्त संत हैं जो भिक्षा मांग करके ही भोजन करते हैं। तो भिक्षा मांग करके वे जगह जगह जाते थे जहाँ सदाव्रत चलता था और वहाँ भिक्षा मांग कर भोजन कर लेते थे। वर्षों बीत जाने के बाद भी मन में शांति नहीं आई तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई और सोचा कि घर द्वार छोड़ दिया, आज तक शांति नहीं मिली। और वे अपने गुरु से कहा करते थे, महाराज जी मुझे दीक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए। वो
घर तो छोड़ दिए थे, बैराग तो ले लेते थे, लेकिन जैसी चाहिए विधिवत दीक्षा वैसे उनके गुरु ने दी नहीं थी जहाँ रहते थे। कहते ठीक है बेटा कभी हो जाएगा। एक दिन उनके मन में हुआ कि आखिर गुरु जी मुझे दीक्षा क्यों नहीं देते और इतने दिन बीत जाने के बाद शांति क्यों नहीं मिली। विचारा उन्होंने, विचारते विचारते उनके मन में एक विचार आया कि यहाँ पर अनेक सदाव्रत चलते हैं, बहुत से सेठों धनियों की ओर से संतों गरीबों के लिए भोजनालय चलता है, मैं सब जगह तो जाता हूँ भोजन लेने के लिए लेकिन अमुक जगह नहीं जाता। और वहाँ पर क्यों नहीं जाते थे? वहाँ जो सदाव्रत चलता था वह उनकी ओर से चलता था जिसके साथ उसी खटपट चल रही थी पूर्व आश्रम में, तो वो बैर भाव था कि अरे ये तो मेरे प्रतिद्वंदी मेरे बैरी की ओर से चलता है और बैरी का अन्न खाना ये तो उचित नहीं है, वहां वो जाते ही नहीं थे। तो मन में ग्लानी हुई कि इतने दिन हो गए घर छोड़े और आज भी वो बैर भाव नहीं मिटा है। तो हुआ कि चलो आज वहीं पर मैं भिक्षा लूंगा। दूसरे फिर समय हुआ और उसी अन्य क्षेत्र में गए भिक्षा लेने के लिए, लाइन में खड़े हो गए, लाइन से भिक्षा ली जाती थी। उनका जो नंबर आया तो जो वो लोग जो भोजन दे रहे थे बांट रहे थे उनमें से एक ने उन्हें पहचान लिया, ये तो अमुक लाला जी हैं और आज वो भोजन लेने के आए हुए हैं। तो संयोग ऐसा था जिनकी ओर से वो जो अन्न क्षेत्र चलता था वो सेठ जिनसे लाला जी का बैर भाव था उस समय वहाँ पहुँचे हुए थे, वे गए और बताए कि सेठ जी अमुक लाला जी तो भिक्षा लेने के लिए आए हुए हैं और लाइन में खड़े हुए हैं। सुन करके सेठ को भी लगा, वो आए देखे, उनको देख करके लाला जी दौड़ करके उसे लिपट गए और कहे कि सेठ आपसे मेरा बैर भाव चलता रहा है व्यापार के सिलसिले में, मैंने घर द्वार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया लेकिन आज तक आपके प्रति मेरे मन का बैर भाव गया नहीं, इसलिए मैं शांति नहीं मिली, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और आप मुझे क्षमा कर दे, गलती मेरी है और जिससे मुझे शांति मिले। वो भी उससे एकदम लिपट गए और दोनों में अत्यंत प्रेम हो गया और उन्होंने उसे प्रेम से बैठाकर भोजन कराया। कहते हैं कि उसके गुरु भी वहीं उसे पहुंच गए और वहीं पर उन्होंने उसके गुरु ने उन्हें दीक्षा दे दिया, उसके पश्चात उसका मन एकदम शांत हो गया। तो जब तक किसी के प्रति बैर भाव है तब तक साधना चल नहीं सकती है, साधना हो नहीं सकती, शांति मिल नहीं सकती। दूसरा हमसे बैर मानता है तो मानता है, हम उससे बैर क्यों माने? व्यवहार नहीं निभता उनके साथ कोई बात नहीं है, व्यवहार ना निभाए लेकिन मन में किसी के लिए बैर भाव अहित कामना है तो यह तो अपने साथ ही दुर्व्यवहार करना है, अपना ही नुकसान करना, अपना ही पतन करना है। हम जानबूझ करके किसी के साथ बैर भाव न रखें, गृहस्थ हो विरक्त हो, कोई किसी के साथ बैर भाव रखेगा तो मन द्वंद्वग्रस्त रहेगा, अशांत रहेगा ही रहेगा। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे प्रति बैर भाव रखता है उसके साथ भी हम मन से उसकी हित कामना कर सोचें, उसके लिए हित की बात ही सोचें, भलाई की कामना ही रखें, वो बैर भाव रखता है वो जाने, हमारे मन में जैसी भावना होगी हमें उसका फल वैसे ही मिलेगा, तो बैर रख करके क्या होगा। इसलिए साहब कहते हैं कि निर्वैरी साधना पथ के लिए पहले शर्त है निर्वैरत्व,
साहब ने साखी प्रकरण बीजक में कहा ही है, सब जीवन से निर्भय रहे, प्राणी मात्र के प्रति निर्भयत्व की भावना, जो हमसे चोट पहुंचा उसके प्रति भी निर्भयत्व की भावना, हमें घोर अपना शत्रु मानता है, घोर प्रतिद्वंदी मानता है और यहां तक समझता है कि ये मेरे प्रगति पथ में, मेरे उद्देश्य के रास्ते में रोड़ा है, और ऐसा समझ करके दुर्व्यवहार करता है, उसके प्रति भी हमारे मन में निर्वैरत्व हो, उसके लिए भी कल्याण कामना हो, उसके भी हित कामना हो। दूसरों के लिए तो हित कामना है लेकिन उसके प्रति नहीं है, तो उतने अंश में हमारे मन की मलिनता है। तो सबसे निर्वैर, लेकिन निर्वैर कौन हो सकता है? देखने की, सुनने की, खाने पीने की या अन्य और पद प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई, सम्मान, जहां एक कामना बढ़ेगी वहां पर वैरभाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि सारी कामनाएं हमारी कभी पूरी होगी नहीं, किसी की नहीं हुई है आज तक, तो हमारी कैसे होगी? और जिन कारणों से कामना में बाधा पड़ेगी उन कारणों के प्रति वैरभाव बढ़ेगा ही होगा, वैरभाव होगा ही होगा। इसलिए निष्काम, किसी से कुछ ना चाहना, जो बन सके दूसरों की सेवा कर दे, दूसरों का उपकार कर दे, लेकिन सेवा करके भी प्रतिदान ना चाहे कि मैं इसकी सेवा कर रहा हूं, तो समय पड़ेगा तब ये भी मेरी सेवा करेगा। और जहां ऐसी कामना आई और समय से वो हमारी सेवा, हमारी सहायता नहीं की, बस फिर वैरभाव बढ़ जाएगा, मन द्वंद्वग्रसित हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, उसको हम कहेंगे ये कि आदमी कृतघ्न है, नमक हराम है, अब पता नहीं उसके लिए कौन कौन से विशेषण हम ढूंढ लेंगे। ये समझें कि सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मैं आज इस स्थिति में हूं कि दूसरों की सेवा कर सकता हूं, सहायता कर सकता हूं, परोपकार कर सकता हूं, और सौभाग्य से बिना चाहे ही सेवा का अवसर आ गया, तो ये तो मेरा कर्तव्य है, ये तो मेरे कल्याण का ही रास्ता है, ऐसा समझ करके हम सेवा कर दें। और ये समझें कि जो जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं वो आदमी छोटा नहीं है, बल्कि वो हमसे बड़ा है, इसलिए बड़ा है कि उन्होंने सेवा का अवसर दे करके मुझे मेरे मन की मलिनता को धोने का अवसर दिया है। इसकी सेवा का अवसर न पड़ता तो मुझे सेवा करने का चांस कहाँ आता, मेरे समय शक्ति धन आदि का सदुपयोग कहाँ होता। ऐसा मान करके हम उसके प्रति कृतज्ञ हों जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, और कृतज्ञ भाव से सेवा करेंगे तो कामना नहीं होगी, जिसकी सेवा करते हम उसे छोटा नहीं समझेंगे। तो सेवा करें, सहायता करें, परोपकार भी करें, लेकिन बदले में कुछ चाहें ना, सबसे सब समय निष्काम, जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करते चले, जीवन निर्वाह तो होता ही रहेगा, उसमें कमी कभी नहीं आएगी। हमारी कामना ही हमें भटकाती है, कामना ही दुख देती है, और जितनी जितनी कामना बढ़ती जाती है उतनी अशांति बढ़ती जाती है, मन उलझता जाता है और वैरभाव भी बढ़ता जाता है। जो सब तरफ से निष्काम हो गया वह बंधन मुक्त हो गया, जीते जी मुक्त है वह। सद्गुरु कबीर ने ही तो कहा है, छाण सकल की आस, जो तू चाहे मुझको छाण सकल की आस। छाण सकल की आस का अर्थ ही क्या है?
सब तरफ से निष्काम हो जाना। और जो निष्काम हो गया उसे कौन पकड़ सकता है, कौन बांध सकता है, उसके लिए बंधन कहाँ रह गया? साहब कहते हैं सबसे निष्काम, फिर साईं सेती नेह, साईं के प्रति नेह प्रेम श्रद्धा, साईं स्वामी, साधक के लिए स्वामी श्रद्धे पूज्य कौन है? संत और गुरु। हम अलग अलग अर्थ करें तो बाहरी रूप में संत गुरु स्वामी हैं, आंतरिक रूप में स्वामी मन इंद्रियां शरीर का स्वामी आत्मा है। आत्मा के सान्निध्य में ही तो मन इंद्रिय देह आदि ये सब काम कर रहे हैं। तो संत और गुरु के प्रति प्रेम श्रद्धा, संत और गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो कोई साधक साधना पथ में चलेगा कैसे? उसे संबल कहाँ से मिलेगा, आधार कहाँ से मिलेगा? कोई भी साधक हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, किसी मत का हो, किसी साधना में वो चलता हो, सगुण उपासना में, निर्गुण उपासना में, या अन्य और जैसे उसकी मान्यता हो उसमें, उसे एक सहारा की आवश्यकता है, अवलंब तो चाहिए ही। और अवलंब कौन है? निर्मल जीवन, संत और गुरु। और जिनके आधार में रह करके साधना हो सकती है, हम कल्याण पथ में आगे बढ़ सकते हैं, आत्मबोध प्राप्त कर सकते हैं, उनके प्रति ही प्रेम नहीं है, श्रद्धा भक्ति उपासना नहीं है, तब आगे बढ़ने का, साधना पथ में टिके रहने का आधार और क्या होगा? फिर इसलिए साईं सेती ने साहब कहते हैं स्वामी संत गुरु के प्रति श्रद्धा। लेकिन स्वामी के प्रति श्रद्धा कब होगी? जब आदमी बाहरी क्षेत्र से निष्काम होगा। इसलिए साहब पहले ही निष्काम होने कहते हैं। संसार की कामना है, गुरु की शरण में गए कोई कामना लेकर के, अब कामना पूरी नहीं होगी तो फिर गुरु प्रति भी श्रद्धा डगमगाएगी। बहुत ऐसे साधक होते हैं जाते ही हैं गुरु के पास तो कल्याण कामना लेकर के नहीं जाते, भौतिक लाभ की दृष्टि से जाते हैं। एक जगह की बात है, सच्ची घटना है, एक प्रदेश की, एक आश्रम के जो महंत थे बहुत बूढ़े हो गए थे, कोई ऐसे शिष्य और था नहीं उनका, तो एक व्यक्ति पहुंचा बहुत विनम्र भाव से और जाकर के उसकी खूब सेवा करने लगा। बूढ़े थे, बीमार भी थे, सेवा करने लगा। अब सोचे थे बूढ़े हैं बीमार हैं तो जल्दी शरीर छूट ही जाएगा तो महान बनने का अवसर आ ही जाएगा, लेकिन चाहे दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य कहो, गुरुजी कि बीमारी चलती रही और शरीर छूटा नहीं, महीनों बीत गए। अब उसे बड़ी बेचैनी होगी कि महीनों हो गए आए आए, अब गुरु जी महाराज शरीर छूट भी नहीं रहा है, अवसर मिल ही नहीं रहा है, तब करें क्या? तो एक दिन गुरु जी महाराज लेटे थे, उन्होंने फिर जब लेटे थे तो बीमार थे ही, तो वो जो व्यक्ति गया था गुरु महाराज के सिरहाने में बैठ करके गुरु जी का पैर दबाने लगे, पैर दबाते 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 ऊपर गए, गुरु का गला भी दबा दिए, थोड़ा सहायता कर दे शरीर छूटने में, बहुत मुश्किल हो रहा था गुरु जी को शरीर छूटने में, थोड़ा सा वो भी सहायता कर दिए। तो ऐसे भी साधक होते हैं। तो
अब ऐसे को साधक कहा जाए कि क्या कहा जाए, तो वहां पर स्वामी गुरु के प्रति प्रेम थोड़े हैं, फिर धन के प्रति प्रेम है। धन के प्रति प्रेम, गुरुवाई के प्रति प्रेम, महंती के प्रति प्रेम, अधिकार के प्रति प्रेम, जहां होगा वहां गुरु के प्रति प्रेम नहीं होगा, कल्याण के प्रति प्रेम नहीं होगा। जब तक बाहरी विषयों का प्रेम नहीं हटेगा, तब तक संत गुरु और कल्याण के प्रति प्रेम नहीं जग सकता है, और साधना में कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए तो आप कहते हैं साईं सेती ने, साधना पथ में आगे बढ़ना चाहते हो, एक रस टिके रहना चाहते हो, तो गुरु के प्रति प्रेम। और गुरु के प्रति प्रेम का अर्थ है आत्मा के प्रति प्रेम, आत्मानुराग। जो अपने आप को भव बंधनों से छुड़ाने को सोचता रहता है रात दिन, वही तो साधना पथ में रहेगा। आत्मानुराग ही नहीं है, स्वयं की समझ ही नहीं है। बाहरी वस्तुओं को हम जितना महत्व देते हैं, उतना हमारा महत्व घटता चला जाता है, हम अपने महत्व को समझ नहीं पाते हैं। अपने महत्व को भी समझना होगा, आत्मानुराग रात दिन हो बना रहे। लेकिन गुरु के प्रति प्रेम कहो चाहे आत्मानुराग कहो, ये कैसे बना रहेगा? इसलिए साहब कहते हैं विषयों से न्यारा रहे। जितने भी विषय हैं शरीर से लेकर के संसार तक, सबसे अलग रहे। अब विषयों से अलग रहने का अर्थ क्या है? क्या जीते जी कोई व्यक्ति विषयों से सर्वथा न्यारा रह सकता है? किसी के लिए यह संभव नहीं है। विषय का अर्थ है पदार्थ। शरीर ही एक विषय है, शरीर ही पदार्थ है, और इसको चलाने के लिए अन्य विषयों की आवश्यकता होती है, भोजन की, कपड़े की, या अन्य और देखना सुनना पड़ता ही है। उनका त्याग कैसे किया जा सकता है? विरक्त से विरक्त संत जो अपने पास कुछ भी नहीं रखते, कपड़ा भी नहीं पहनते, उन्हें भी तो जीवन निर्वाह के लिए भोजन करना ही होता है, वो भी एक विषय ही है। तो कोई विषयों से अपने आप को सर्वथा अलग कैसे कर सकता है, उसका सर्वथा त्याग कैसे कर सकता है? यहां न्यारा रहने का अर्थ है अनासक्त रहना, वस्तुओं का उपयोग करना, लेकिन उपयोग करते हुए भी उनमें सुख बुद्धि ना हो और आसक्ति ना हो। जब सुख बुद्धि होती है तब आसक्ति होती है, आसक्ति होती है तब बार बार उसका चिंतन होता है, और बार बार जब चिंतन होता है तो पाने की कामना जगती है। क्योंकि जब बार बार पर इच्छा हो गई, उसमें सुख है, सुख है, उसे मिल फिर तो फिर वस्तु मुझे मिले। इसीलिए गीता में ये जो कहा गया है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मो सम्मोहात सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रमतात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसः, बार बार किसी विषय का चिंतन करने से, ध्यान करने से क्या होता है? संगस्ते सुपजायते, उससे संग आसक्त उत्पन्न होती है। किसी के भी अब बार बार चिंतन करें, लगातार जिसका चिंतन चल रहा होगा आपके मन में, प्री मान करके चिंतन हो, अब प्री मान करके चिंतन हो तो फिर द्वेष बनेगा। प्री मान करके, सुख मान करके जब चिंतन होता है तो फिर आसक्ति उत्पन्न होती है।
अब जब आसक्त उत्पन्न हो गई तो फिर उससे काम उत्पन्न होता है, कामना कि वह मुझे मिलनी चाहिए। आसक्ति का लक्षण ही है कि पाने की तीव्र उत्कंठा हो जाना, लेकिन जो कामना होती है, हम पाने के लिए प्रयास करते हैं, जब कामना जगी तो पाने के लिए प्रयास होता है। पाने के लिए जब प्रयास होता है और कामना पूरी नहीं होती तभी क्रोध जगता है। कामात क्रोधो भी जायते कहा गया, कामना से क्रोध होगा ही होगा, जब पूरी नहीं होगी कामना क्रोध होना ही होना है। और क्रोध से फिर सम्मोह मूर्छा की स्थिति आती है, क्रोध आया कि मूर्छा आई, विवेक सुप्त हुआ। अब जो सम्मोह की स्थिति हुई तब फिर स्मृति में भ्रम पड़ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ पता नहीं चल पाता है कि क्रोध कर करके पूर्व में हम कैसे कैसे नुकसान उठाए हैं, कैसे कैसे दुख भोगे हैं, क्या क्या हानि सहे हैं। स्मृति लुप्त हो गई, स्मृति जब लुप्त हो गई तब बुद्धि नाश हो, बुद्धि का विनाश हो गया, सही गलत के कर्तव्य का निश्चय ही नहीं हो पाया। और जब सही गलत के निर्णय करने का करने की निश्चयता ही नहीं रह गई कि सही क्या है गलत क्या है, समझ ही नहीं पा रहे हैं, बुद्धि कुछ निर्णय ही नहीं ले पा रही है, तो भी क्या होगा, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर तो पतन रखा रखाया है। तो वस्तुओं से न्यारा रहने का, विषयों से न्यारा रहने का अर्थ है उपयोग करते हुए भी अनासक्त रहना, कहीं अपने मन को न जोड़ना। कहीं हमने यह माना कि अमुक वस्तु बहुत उपयोगी है, मुझे चाहिए ही, वहां हम उस वस्तु के गुलाम बने, और गुलामी करते प्रतंत्रता, प्रतंत्रता करते है दुख और बंधन। इसलिए वस्तुओं का उपयोग करें, वस्तुओं का हम गुलाम न बने। हम वस्तुओं के गुलाम बन जाते हैं, और जो वस्तुओं का गुलाम बन जाता है वो साधना क्या करेगा। यहां तक लोग कह देते हैं कई बार कि अमुक वस्तु के बिना तो मेरा चल ही नहीं सकता, यही है मोह, यही है आसक्ति, यही है मूर्छा, कैसे नहीं चल सकता है, जब लाखों करोड़ों लोगों का जीवन उसके बिना चल रहा है और आराम से भी उस वस्तु के बिना जी रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जी सकते। उनमें और हम में अंतर क्या, हम जैसे हम मनुष्य वैसे वे मनुष्य, और वे जी रहे हैं तो हम क्यों नहीं जी सकते। वे इसलिए जी रहे हैं कि उसके प्रति उनके मन में आसक्ति नहीं है, हमारा मन में आसक्ति है, और यही आसक्ति ही भविष्य का कारण है, भवबंधन का कारण है। तो वस्तुओं का उपयोग करें, लेकिन उपयोग करते हुए भी अपने मन को उनमें बांधें ना, हम उनकी गुलामी ना करें, उनसे अनासक्त रहे। तो सदगुरु का यहाँ आदेश है विषयों से न्यारा रहे, सबसे अनासक्त, उदास, तटस्थ। साधुन की मत, ये कहते ये साधक की मत, साधक की रहनी, साधक का लक्षण यही है। निर्वैरी, निःकामता, साई सेती ने विषयों से न्यारा रहे, साधुन की मत ये, सबसे निर्वैर रहना, सबसे में निष्काम रहना, संत गुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम भक्ति रखना, आत्मानुराग रखना, और शरीर से लेकर संसार तक के जितने भी विषय हैं सबसे अनासक्त रहना, साहब कहते यही साधक की पहचान है, इसी रहने साधक को रहना चाहिए। हम सब यहाँ साधक ही हैं, हमें अपने आप को इस रहनी में ढाल करके आत्मकल्याण दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए।